बड़ी अपडेट यह है कि ताइवान की सुरक्षा वाले बाइडेन के बयान पर चीन एक बार फिर से भड़क उठा है। चीन का बंटवारा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है। ताइवान को लेकर हमारे सभी ऑप्शंस खुले हुए हैं, ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं माओ निंग। उन्होंने कहा है चीन एक है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता, ये माओ निंग का बयान है। जाहिर है अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बयान के बाद ये प्रतिक्रिया चीन की ओर से आई है। बयान आपको याद होगा जिसमें जो बाइडेन ने कहा था कि ताइवान को अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका सैन्य मदद भी देगा, अगर स्थिति ऐसी पनपी कि चीन उस पर हमला करेगा तो। तो अमेरिका को किस तरह चीन ने धमकाया है और ताइवान को अपना हिस्सा बताया है और कहा है कि दुनिया में केवल एक चीन है और ताइवान उसी चीन का हिस्सा है, ये आपको विस्तार से बताते हैं। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं, एक लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं, हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किस तरह से जो बाइडेन के बयान पर अमेरिका आग बबूला हो गया है, यूएस का ताइवान को समर्थन, आग बबूला ड्रैगन। चीन ने कहा है कि देश के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे पास सुरक्षा में कोई भी कदम उठाने के विकल्प सुरक्षित हैं। अमेरिका का कदम ताइवान के खिलाफ उसकी अपनी नीति के खिलाफ है। बाइडेन का बयान ताइवान के लिए दशकों की अमेरिकी नीति से अलग है। हाल में यूएस ने ताइवान के लिए 1 बिलियन $100 करोड़ के हथियारों को मंजूरी दी, इसमें 60 एंटी शिप मिसाइल, 100 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ताइवान पर पुरानी अमेरिकी नीति क्या है जरा यह भी समझिए। 1979 यानी 1979 में यूएस ने ताइवान के साथ अपने औपचारिक राजनयिक संबंध खत्म कर लिए। बीजिंग को चीन के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता मिली। यूएसए ने ताइवान का समर्थन करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। बिल्कुल, तो हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं। सुरभि, ये बहुत अहम सवाल है यहाँ पर इस वक्त। बिल्कुल, इस बीच हमारे मेहमानों का परिचय भी यहाँ पर करा दूं। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जनरल वीके चतुर्वेदी सर हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और इसके अलावा डीके पांडे सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और साथ ही प्रोफेसर संजय भारद्वाज और अनुराग शुक्ला सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। चतुर्वेदी सर, टाइमिंग ये सवाल है, हालांकि बैक टू बैक हमारे पास बहुत सी ऐसी खबरें भी हैं जहां बाइडेन के इस फैसले की खुद अमेरिका के अंदर भी आलोचना हो रही है। उन तमाम खबरों पर जाने से पहले सवाल उस नीति को लेकर है जो अमेरिका जिसमें बदलाव की सोच रहा है, इस समय में ये फैसला क्या सही है? आज एक पूरे वर्ल्ड के अगर कॉम्प्लेक्स में देखें तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में एक जो पावर सेंटर्स और ग्लोबल लीडर्स के लिए लड़ाई हो रही है, और उस संदर्भ में जब आप इसको देखेंगे तो अमेरिका अपने प्रभुत्व को स्थापित, जो उनका ऑलरेडी ग्लोबल पावर है, नंबर वन है पूरे विश्व में, उसको चुनौती दी जा रही है, और चीन और रशिया उसको चुनौती दे रहे हैं। और इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो वो अपनी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कुछ भी कदम ले सकता है, और इसलिए उसने चीन के साथ यूक्रेन में रशिया के साथ उसने ऑलरेडी एक तरह का विरोध किया है, और यहाँ पर चाइना के साथ जब वो ताइवान एक अमेरिका भी ताइवान के प्रति बहुत वफादारी दिखा रहा है और बहुत उनको सपोर्ट में आ रहा है, यहाँ तक कि हम अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भी वहां पर ले आएंगे। यही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है और यही खास बात इस बार जो बाइडेन के बयान में नजर आ रही है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, ये बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने की जो बात की जा रही है ताइवान के समर्थन में, ताइवान की धरती पर, इसे आप कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज आप देखते हैं अमेरिका के बिहेवियर में? अभी तक बातें ये हो रही थी कि भाई हम साथ हैं, लेकिन अब खुलकर ये कहा जा रहा है कि अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका अपनी सेनाएं ताइवान की धरती पर उतार देगा। देखिए, मैं तीन बात कहना चाह रहा हूँ। पहली बात कि जिस तरीके से रशिया और चीन का जो एक अलायंस एक उभरा है, और उसके साथ में जो दूसरे अथॉरिटेरियन स्टेट है, ईरान है, टर्की है, पाकिस्तान है, ये इनके साथ जुड़ रहे हैं, तो अमेरिका की जो हेजमनी है, जो वर्ल्ड में हेजमनी, उसको एक डायरेक्ट चैलेंज है, और उस चैलेंज को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने रशिया को यूक्रेन में फंसाया और चाइना को ताइवान में फंसा रहा है। दूसरा फैक्टर, अमेरिका इस क्षेत्र में एक फियर फैक्टर भी दिखा रहा है कि देखिए
जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन यूरेशिया में एक 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 तरीके का आतंक मचाया है, उसे चाहे कजाकिस्तान हो, बाकी जो दूसरे कंट्री जॉर्जिया है, ये सब भयभीत है। वैसे ही जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो साउथ चाइना सी और नॉर्थ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में जिस तरीके से वो फियर फैक्टर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक बार मेरे को आप कि वो एक फियर फैक्टर वो एक पोलराइज कर रहा है कि जो एंटी रशिया और चाइना कंट्रीज हैं वो साथ में आ जाए। जो आपने एक बात कही कि बाइडेन के कदम ठीक है कि नहीं, देखिए आप अगर सैनिक दृष्टि से देखते हैं, सामरिक दृष्टि से देखते हैं, तो निश्चित रूप से बाइडेन इसके लिए कंसर्न है, लेकिन इकोनॉमिक दृष्टि से अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अमेरिका उस पोजीशन में नहीं है जितना कि सर, ये तो कम से कम क्लियर है ना, ये समझ में आ रहा है कि जो बाइडेन अब चीन से सीधे सीधे मुकाबला करने के लिए भी तैयार है, तभी इस तरीके का बयान उन्होंने ताइवान के समर्थन में आकर के दिया है, और ये पहली बार है जब वो सैन्य मदद की बात कर रहे हैं। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं, एक लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं, हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।